हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। बजरंगबली अपने भक्तों को सभी कष्टों से दूर रखते हैं, लेकिन ये भक्त भगवान हनुमान जी के सच्चे भक्त होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को श्री हनुमान जी का सच्चा भक्त कहता है तो उसे सबसे पहले तो बाल ब्रह्मचार्य का पालन पूरी निष्ठा से करना होगा। अपने आप को हनुमान भक्त कहने वाला व्यक्ति यदि ब्रह्मचार्य का पालन पूरी तरीके से नहीं करता है तो उसे भगवान हनुमान जी का क्रोध भी झेलना पड़ता है, और इस क्रोध का संकेत खुद बजरंगबली अपने भक्तों को देते हैं। पहला संकेत होता है कि जब आप हनुमान जी की बहुत उपासना करते हैं लेकिन बावजूद इसके आपके साथ बार बार बुरा हो रहा होता है, आपका नुकसान हो रहा है और आपका दुर्भाग्य पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब है कि भगवान श्री हनुमान आपसे रुष्ट है। वह सब कुछ देख रहे हैं कि आप कितने परेशान हैं, लेकिन वो आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि भगवान हनुमान आपसे नाराज हैं। अगर भगवान श्री हनुमान आपसे रुष्ट हैं, तो वो इसका संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से भी देते हैं। अगर आपको सपने में वानर क्रोधित दिखे या फिर अगर सपने में आपके आसपास कई सारे वानर उछलते कूदते नजर आए तो इसका मतलब है कि भगवान श्री हनुमान आपसे क्रोधित हैं। इसके बाद अगर सपने में आपको कोई वानर काट ले तो इसका भी मतलब ये है कि भगवान श्री हनुमान आपसे रुष्ट हैं और वो आपको पहले चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी गलती को सुधारें। इसके बाद अगर वास्तविक जीवन में भी आपके घर में या फिर आपके आसपास कई सारे वानर आ जाएं और आपका नुकसान करने लगे या फिर आपको काट लें तो इसका भी मतलब होता है कि भगवान श्री हनुमान आपसे रुष्ट हैं। अगर आप अपने सपने में बजरंगबली हनुमान जी की प्रतिमा को क्रोधित रूप में दिखते हैं तो इसका मतलब है कि बजरंगबली आपसे उदास है। वहीं अगर आप सपने में देखते हैं कि बजरंगबली जी के सामने आप हाथ जाड़े खड़े हैं और उनके आगे प्रार्थना करते करते रो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बजरंगबली जी आपकी किसी भी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका भी मतलब है कि भगवान श्री हनुमान आपसे रुष्ट हैं और वह आपको संकेत दे रहे हैं कि यदि आप अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे तो आपका दुर्भाग्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप वास्तविक जीवन में श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या फिर प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रहे हैं और ऐसा करते समय अगर आपकी पूजा बार बार बीच में खंडित होनी शुरू हो जाए, दीपक बुझना शुरू हो जाए या फिर राम के नाम का जाप करते समय माला टूट जाए, तो ये इस ओर इशारा करता है कि कुछ बहुत गलत घटने वाला है और बजरंगबली आपको आपके कर्मों के लिए चेतावनी दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर दी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही इतिहास और सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।